भाई को बता देंगी, मैं रावण को बता देंगी, हाँ मैं रावण को बता दूंगी। चुप लगे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब तू पीछे हट जा, अब सीता माई को आगे आने दे। जय श्री राम। ये तू चुप। मुझे क्या, मैं तो जल्दी आया। मुझे क्या, मैं तो जल्दी से हट रहा था, मगर ये लक्ष्मण मेरे पीठ पर कुछ लिखते बैठा था, रावण के लिए संदेशा लिख रहा था बोला। अरे इतनी बड़ी चिट्ठी लिखेगा तो दर्शक चले जाएंगे भाई। मैं तो कहता हूँ चिट्ठी पहले से लिख के तैयार रखते हैं, सिर्फ हाथ में थमा देंगे। हाँ हाँ, वो ना पढ़े इसलिए चिट्ठी लक्ष्मण ने उसके पीठ पर लिखी थी। मगर यहाँ वो डर नहीं है, ये सूटना का थोड़े ही पढ़ना लिखना जानती है। यहाँ तो सीता ने कब की पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है, वो भी तो भूल गया होगा पढ़ना लिखना। इसलिए तो राम जी अंगूठी भेज रहे हैं उसको हनुमान जी के साथ। गणेश, अब सीता माई के डायलॉग बोलो, चलो। वैसे तो मैं पढ़ सकती हूँ। वैसे तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन तूने डायलॉग ही नहीं दिए। अरे यार, इतने बार तो रामायण सुनिए तूने, अब नाटक में काम करना है तो बीच बीच में अपने मन के डायलॉग बोलना भी सीख लो। ठीक है। पतिदेव, आपने सुर्ख नकार को चिट्ठी लिखी, अच्छा नहीं हुआ। मैं चली माइके, मैं माइके चली। अरे जा जा, कैसी पागल औरत है तू, तू क्या मुझे छोड़ के जाएगी? मैं तुझे इन राक्षसों के बीच इस वन में अकेले छोड़कर दूर शहर चला जाऊंगा। अरे पागल, ये कहाँ बक रहा है तू? बाबा बाबा घर चलो, दादी ने बुलाया है। नहीं नहीं अभी नहीं, रिहर्सल चल रही है। चाचा और चाची की फाइट चल रही है। क्या चल रही है? फाइट फाइट। ए चलो चलो घर, दी जल्दी घर चलो। शर्म की बात अब मुझसे ना करो, शर्म की बात तो इनसे करो, इनसे। गरम? मैंने कब गरम चाय मांगी? बाबा गरम नहीं, शरम शरम। ठीक है, थोड़ी नरम बना लो रोटी। ये देखो ये देखो, उस सूर्पनखा ने इन्हें चिट्ठी लिखी है। सूर्पनखा? कौन सूर्पनखा? मैं हूँ सूर्पनखा। तू बीच में बात बोल, तेरे नाक कान कटवा दूंगी। हाँ, अरे कैसी पागल औरत है तू। अरे लेकिन हुआ क्या, कोई तो बताए मुझे। मैं ये चुड़ैल जो है। मैं चुड़ैल और वो अप्सरा? अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ तो भी इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो मास्टर नहीं आई है ना शहर से? अरे मास्टर नहीं, नहीं प्रोफेसर नहीं कहो। हाँ हाँ, मैं परमेश्वरी हूँ तो उसको आपने प्रोफेसर ही बना दिया। दिया अभी से दिया जलाने के लिए झगड़ रहे है। सुनो तो जरा। अरे मर्दों का काम ही ऐसा, और ये टमटम थोड़ी चुप रहेगी। अरे भाभी बताओ भी तो क्या हुआ? क्या हुआ भैया? उसी से पूछ। प्रोफेसरी ने जेएचजी के लिए चिट्ठी भेजी है, इतनी लंबी। दिखा दो। अरे मेरे पास कहाँ है, कहाँ है? अच्छा तो ये है चिट्ठी। मतलब कितना कुछ लिखा है इसमें, कोई एक साथ पढ़ भी नहीं सकता। बोलते हैं प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र आया है, दिखा तो मुझे। मुझे भी तो दिखा, मैंने भी प्रेम पत्र कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा प्रेम पत्र, पहले सभी बड़ों को दिखा। महादेव। हाँ।
कल हम सब जा रहे हैं, सुबह जल्दी काम पे आ जाना। इतनी सारी लिखाई में बस यही लिखा है? खाई खाई है तो खाने दो, झगड़ते क्यों हो? खाई नहीं, लिखाई लिखाई। मिठाई? अच्छा, पार्टी लाया होगा मिठाई। हाँ हाँ, पाटिल ही लाया है मिठाई। देवर जी, तुम पढ़ के दिखाओ। महादेव, कल हम जा रहे हैं, सुबह जल्दी काम पे आ जाना। महादेव, कल हम जा रहे हैं, सुबह जल्दी काम पे आ जाना। सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, मच्छिंदर को आने दो स्कूल से, वही पढ़ के दिखाएगा। हम पढ़ना लिखना नहीं जानते तो हमें उल्लू बना रहे हैं सब, देखो तो। देख मच्छिंदर, मर्द एक दूसरे को धोखा नहीं देते, वो अपनी भाभी की चिट्ठी नहीं पढ़ेगा, नहीं तो मैं तेरा भांडा फोड़ दूंगा। कौन सा भांडा? कुछ तो भांडा होगा तेरा, चल। वो तस्वीर देखो, काम की चिट्ठी की ऐसी होती है। नहाने वाली औरत की तस्वीर पे काम की चिट्ठी ऐसी होती है। अरे तेरी अकल क्या घास खाने चली गई है? हाँ हाँ, भैंस चू हूँ मैं। क्या हुआ भैया? ये देखो आया मच्छिंदर, अब ये पढ़ेगा बराबर। मच्छिंदर जा जल्दी इधर आ, पढ़ बेटा। क्या ला, परसों इसे चिट्ठी दे, पढ़। मगर मुझे क्या पता क्या पढ़ना है? क्या मतलब? जो चिट्ठी में लिखा है वही पढ़ना है। महादेव, कल हम जा रहे हैं, सुबह जल्दी काम पे आ जाना। यही लिखा है ना इसमें? हाँ, अब तो विश्वास हो गया तेरा। कितनी झगड़ालू हो गई आजकल की बहुए। हम जा रहे हैं, सुबह जल्दी काम पे आ जाना। ये लो 10 रुपए के छुट्टे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो 9 है भाई, 10वां कहाँ है? 10वां तो दे दिया मैंने। अच्छा, देख मच्छिंदर, मैं तेरा बड़ा भाई, मैं न जानू तेरी शरारत, पहला रुपया दे दे मुझे। जुने का जिसने भी चिट्ठी पढ़ी है उन सबको 1-1 रुपया मिलेगा, सो पहला मैंने रख लिया। तुझे बाद में, पहले चिट्ठी किसने पढ़ी? मुझे क्या, मैं भाभी को बता दूंगा। तूने अगर मुंह खोला तो देख लूंगा साले। अच्छा तू ऐसे कर ले, तू ये 54 रख ले। हा? क्या बांट रहे हो तुम लोग, दक्षिणा? कुछ नहीं भरत, मुझे सब मालूम है, बड़ा भाई है तू, दिखा तो प्रेम पत्र कैसा होता है। अरे कैसे पागल हो तुम लोग, कैसा प्रेम पत्र? वो काम की चिट्ठी है, काम की। ले मच्छिंदर, तू पढ़ के दिखा दे सबको। महादेव, कल हरडा और बेड़े के बारे में जो बात हुई वो तुम्हें याद होगी। आज हम बेलाघाट के फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलके आ रहे हैं, कल हमें वापस जाना है, तो तुम रात को हरडा बेड़ा और परसों के मूली के नमूने लेके आ जाओ, हम ठीक तरह से पैकिंग कर देंगे। प्रोसिना तेरी इस चिट्ठी पे इतना झगड़ा? अरे तुमने सचमुच में चिट्ठी क्यों नहीं पढ़ी? बात ये हुई कि उस प्रोफेसर ने की लिखाई मैं भी तो जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकता था। लिस्ट? हाँ बिल्कुल, इस महादेव की वजह से, वो घूम घूम के कहाँ कहाँ से नमूने ले आया।
तुम जानते भी नहीं महादेव, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा ज्ञान, इन दोनों का उपयोग हमारे वनस्पति शास्त्र सीखने वाले विद्यार्थियों को कितना होगा। तुम्हारी मदद हमारे बहुत काम की है। मैं तो इसे कह रही हूँ तुम हमारे साथ शहर चलो, हमारे डिपार्टमेंट में चपरासी बनो। सच महादेव, आना चाहते हो तो नौकरी तुम्हारी, मगर वो क्यों आएगा, उसकी खेती बाड़ी जो है यहाँ। मैं भी तो आना चाहता हूँ आप लोगों के साथ शहर, यहाँ खेती से कितना अनाज आता है। पिताजी ने अफीम खा खा कर बदन खोखला कर दिया है, एक छोटा भाई है वो सिर्फ नौटंकी के पीछे पड़ा है, दूसरा पढ़ना चाहता है, मगर कुंवारी बहन है मेरी, उसकी शादी भी करनी है मुझे, और मुश्किल से निभा पाता हूँ मैं यहाँ। तो फिर पक्का कल तुम चलो हमारे साथ। मैं खुद आप लोगों को पूछने वाला था, तो आप ही ने मेरे मन की बात जान ली। भरत, सुना तुमने तुम्हारे ताई जी के घर में क्या तमाशा हुआ आज? आजकल तो बहुओं के मुंह लगना ही मुश्किल है। तो महादेव ने क्यों मुंह में पट्टी लगा ली? गलती जो उनकी थी, ऐसे मुंह खोलते। वो प्रोफेसर को भी क्या पड़ी थी चिट्ठी भेजने की, किसी आदमी को भेज देती संदेशा देके। वो भी जानती होगी कि इसकी माँ अभी भी बहन कोई लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, तो भेज दी चिट्ठी। ये शहर वाली बड़ी बदतमीज होती है। कितनी हिम्मत वाली होगी। क्यों बदतमीज क्यों कहे, पढ़ना लिखना जानती है इसलिए। दीदी तो कहने लगी प्रेम पत्र है। इसमें हंसने की क्या बात है। चार दिन का काम बड़ा ही फायदेमंद रहा। प्रोफेसरी को दुआ दो, शहर की कॉलेज में काम कोई मामूली बात नहीं है। महादेव, तेरे तो भाग खुल गए। किसके भाग खुल गए? बड़े भैया के बाबा, बड़े भैया के। अच्छा, मैया के भाग खुल गए, वो है ही भगवान। अब कोई नहीं क्या बताए, बिजली टूटने से इनके कान नहीं गए, हमारे ही गए समझो। मैया का माई, तुम भी तो थोड़ा ऊंचा सुनती हो। क्या गिनती? हाँ। अरे मैं क्यों करने लगी गिनती, गिनती का काम भगवान का, उसे अपना काम करने दे। हाँ। दीदी कहती है एक बार शहर गए तो बस अपनी मिट्टी से नाता टूट जाएगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के। वो नहीं जाना चाहती शहर। अरे तो उसे कौन ले जाना चाहता है शहर, उसे पढ़ने दे, यहीं कीचड़ में पाव फंसाए। मैं आगे जाना चाहता हूँ। पिछले बाजार के दिन वही तो कह रही थी, लाड़ी और मुन्नी के लिए चूड़ियां खरीदनी हो तो भी 10 बार सोचना पड़ता है करके। तुम लोग कल से क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो? बड़ा भैया शहर जा रहा है नौकरी करने, नौकरी। अच्छा तो खुशी की बात है, ये बड़ी बहू मुंह लटका क्यों क्यों बैठी है? मैं भी कभी चाहता था शहर जाऊं, मगर हिम्मत नहीं हुई। तुझे नौकरी मिल रही है तो जरूर जा, यहां रहकर अनाड़ी बने रहना किस काम का। दीदी सुन, पाटिल की सलाह ले ले। हाँ ये ठीक है। बहू इनको चाय दे दो। राय? ठीक है पाटिल जी, आपके राय बिना कुछ नहीं होगा। हाँ अरे महादेव, ये बेरा बाबा के कान तो बिल्कुल काम से गए। हाँ बेरी माई को भी आजकल काम ही सुनाई देता है। घबराने की कोई बात नहीं है,
कॉलेज की नौकरी है अच्छी होगी। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हमारे छोटी भाभी का भाई भी कॉलेज में ही है। हाँ, और मेरे भाभी के चचेरे भाई के दूसरी बीवी के मामा का लड़का भी तो है। हाँ हाँ, वैसे वो भी सगे वाला ही है। शहर में अपने गांव वाले सब सगे वाले ही होते हैं। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मगर महादेव जरा संभल के, शहर में हर किसी का लोग मुर्गा या बकरा बना डालते हैं। इसकी मत सुन महादेव, तू जा पर गांव को मत भूल। पर बेरी माई और परमेश्वरी क्या कहती है? माई तो जा कहती है, मगर उसे पसंद नहीं है। हाँ, वो तो अपना ही सोचती होगी। शादी के इतने सालों बाद जाके गोद भरी उसकी, और हुई भी तो लड़की, बस तब से झूला खाली है। क्या करेगी वो? इतनी औरतों की ना सुनो। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? समझे? अपना भला सोचो और जो ठीक लगे वो करो। गांव में परिवार में है, कहीं अकेली तो नहीं बैठी जंगल में? तुम जा सकते हो। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मेरे छोटे भैया के लिए कुछ सामान भेजूंगी, ले जाओगे? जी हाँ। हाँ, क्यों नहीं चाची, जीप में जा रहा है, जरूर ले जाएगा। हाँ हाँ जी, जरूर ले जाऊंगा मैं। मायके के लिए इतना प्यार ठीक नहीं। अपने खाते में से भेज रही है, उसकी मर्जी, हम क्यों बीच में बोले? ठीक है महादेव, चला जा। तो हम चलते हैं। तो महादेव, सामान लेके जल्दी आना। लो, आ गई है। अच्छा, तो ये तुम्हारी बीवी है? मैं कब से मिलना चाहती थी। क्या नाम है तुम्हारा? परमेश्वरी दीदी। अच्छा मारे, चले। हाँ हाँ, जल्दी आना। पाटिल और पाटलन भी कह रही थी जाना अच्छा है, वक्त पे मौका ना हथियालू तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक से सोचोगी तो तुम भी यही कहोगी। कॉलेज को दिवाली की छुट्टी होगी तब आऊंगा। अरे महादेव, ये मेरे घरवाली के चचेरे भाई है ना, उसका साला जो बंबई में रहता है, उसके यहाँ पहुंचा देना बेटा। ये मेरा भी पहुंचा देना बेटा, किल्ली का देवर जो बम्बई में रहता है ना, उसके लिए है। और महादेव, ये घर का अनाज लाई हूँ थोड़ा, भैया के लिए, उसके पास पहुंचा देंगे। गज्जू दे देना। मेरी माँ। हाँ, क्या ले जाना है? तुम्हारे भी भाई के, साले की, बीबी की, ननन के, देवर का, जमाई। बेशरम, क्यों जबान छूटी है तुम लोगों की? मैं तो सीधी अपने घर जा रही थी। हाँ? घर में मेहमान आया है, उसके लिए ले जा रही हूँ। माफ करना चाची। हाँ, चुप बैठ। अरे, मेरे घर में मेरे मौसी के चचेरे भाई के जमाई के सौतेले भाई का भतीजा आया है। महादेव, थोड़ी मूंगफली और गुड़ दिया है, भूख लगे तो खा लेना। और ये है रोटियों के लिए आटा। माई, दीदी, तुम तो कुछ भी नहीं बोली। किसी ने कुछ कह दिया और ये चल पड़े, मेरी सुनने के लिए थोड़ी बेताब थे।
आने वाली औरत की तस्वीर पर काम के चिट्ठे। कहते हैं दिवाली में आएंगे, तब तक अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़े तो क्या करें, कैसे बुलाएं? जरूर देगा भाई, महादेव बेटा अपना ख्याल रखना। कहती है तो रखना। अरे शहर में बहुत भीड़ रहती है, बच के रहना और वो पैसा वैसा कमर को बांध के रखना हर वक्त। मेरे लिए किताबें ले आना भैया। मेरे लिए गेंद। सुनो भैया का सामान जरूर देना, भूलना मत। देख। अरे तुम्हारे लिए मैं माला भेजूंगी इसके साथ। परमेश्वरी इसकी चिंता मत करना। हाँ माई चिंता मत करना। कहते हैं दिवाली में आएंगे, अगर यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़े तो क्या करें, कैसे बुलाएं उनको? अरे मैं तुम्हें पता देती हूँ, तुम चिट्ठी लिख सकती हो। बताऊं हाल ये मन का, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर मेरी जिंदगी, भैंस बराबर, भैंस बराबर अक्ल की मेरी, भैंस बराबर, भैंस बराबर।